विगत दो दिनों से पूरे जनपद और प्रदेश की सोशल मीडिया पर बैदरापुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गौ माता की हड्डी डीसीएम ट्रक पर लादकर तस्करी की जा रही है। वहां पर गौ माता का ढेर सारा उनकी चमड़े की पूरी खाल रखी हुई है। आप सोचिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बगैर गौ माता बगैर गंगा बगैर अयोध्या अगर ये तीन चार शब्द निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 5 से 10 मिनट भाषण नहीं दे सकती। और वो अयोध्या की धरती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती और वो धरती जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर 7-10 दिन पर अयोध्या आते हों और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे अयोध्या में गौ माता की हड्डियों का तस्करी की जा रही है, उनके चमड़े के खाल का कारोबार किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। वैसे तो जब से योगी जी की सरकार बनी है सरकारी गौशालाओं में गौ माता भूख के मारे जान दे दे रही है। न चारे की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है। जिस दिन कोई मंत्री जांच करने जाता है या प्रभारी मंत्री तो उस दिन चारे और पानी की एक दिन की व्यवस्था कर दी जाती है। तो भी भाजपा के नेता से लेकर अधिकारी तक इसके लिए दोषी हैं, उन पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए।